हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू BDS एस्टोरियल्स। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारी इस तेनालीराम की श्रृंखला में, जहाँ मैं आपके लिए लाती हूँ तेनालीराम की बुद्धिमत्ता और चतुराई से संबंधित बहुत ही प्यारी प्यारी और मज़ेदार कहानियाँ, है ना, जो कि आपको पसंद भी आ रही हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम अपनी कहानी की ओर। तो हमारी आज की कहानी है तेनाली का प्रयोग, है ना। तो चलिए, तेनाली राम अपनी बुद्धिमत्ता एवं चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय, जहां पर उनके अष्टदिग्गजों में से एक थे और उनके मुख्य सलाहकार में से एक थे, कौन? तेनाली राम। तो भाई, हम उनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई की तो कहानियाँ सुन रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारी आज की कहानी में भी यही था कि हम जानते हैं पहले से ही कि तेनालीराम अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रसिद्धि से राजगुरु और कुछ दरबारी ईर्ष्या करते थे, है ना। तो जो अच्छा काम करता है या आगे बढ़ रहा होता है और जो किसी का पसंदीदा होता है, तो उससे कई लोग जलते भी हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलन रखते हैं, है ना। तो बस वैसा ही वहाँ भी हो रहा था, क्योंकि तेनाली जो थे वो राजा कृष्णदेव राय के खास थे ना, तो इसलिए उनसे कौन जलता था, ईर्ष्या करता था? राजगुरु और कुछ अन्य दरबारी, है ना। एक दिन उन सभी ने तेनाली को अपमानित करने की योजना बनाई। एक दिन उन्होंने क्या सोचा कि भाई, ये बहुत ज़्यादा राजा का मतलब खास बनता है, चलो इसको हम ऐसा करते हैं, इसका अपमान करते हैं। तो अपमान करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई, है ना, पूरी प्लानिंग की उन्होंने। फिर क्या हुआ, अगले दिन राज दरबार में राजगुरु ने राजा कृष्णदेव राय से कहा, क्या कहा? महाराज, मुझे पता चला है कि तेनाली के पास जादुई पत्थर है। अब ऐसा जब उन्होंने सोचा और फिर उसके लिए उन्होंने उस योजना को एक मतलब उस योजना को साकार करने के लिए उन्होंने क्या किया, महाराज को भड़काने की कोशिश की। और फिर राजगुरु और राजदरबार वहाँ पे गए। राजदरबार जब लगा तो वहाँ पे राजगुरु गए और उन्होंने राजा से क्या कहा कि महाराज, मुझे पता चला है कि तेनाली के पास कोई जादुई पत्थर है जिससे वह लोहे को सोने में बदल सकते हैं। लो भाई, अब उन्होंने अपने ही मन से कह दिया, क्या कह दिया राजा से कि राजा जी, ऐसा है कि हमें पता चला है कि तेनाली के पास कोई जादुई पत्थर है जिससे वो किसी भी लोहे को सोने में बदल सकते हैं, क्या ये सही है? मैं इस बारे में तेनाली से बात करूंगा। ऐसा किसने कहा? ऐसा राजा कृष्णदेव राय ने कहा, राजगुरु की बात सुनकर। क्या कहा कि क्या यह सही है, मैं इस बारे में तेनाली से बात करूंगा, राजा ने कहा। उसके अगले दिन तेनाली दरबार में आए। जब अगला दिन आया और तेनाली वहां दरबार में आए तो राजा बोले, तेनाली, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास जादुई पारस पत्थर है जिससे तुमने लोहे को सोने में बदलकर खूब सारा सोना जमा कर लिया है, है ना। अब भाई, ये बात तो एकदम तेनाली जैसे ही आए और वैसे जब राजा ने उनसे कहा तो सुने, और फिर उन्होंने क्या उत्तर दिया, आइए देखते हैं। तेनाली तुरंत समझ गए कि किसी ने उनके खिलाफ राजा को झूठी कहानी सुनाई है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि तेनालीराम तो अपनी बुद्धि से बहुत तेज थे, तो वो समझ गए कि राजा जी अचानक तो मुझसे ऐसा सवाल या ऐसा प्रश्न नहीं पूछने वाले, निश्चित ही उन्हें मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ झूठी कहानी बताई गई है या मेरे खिलाफ भड़काया गया है। तो फिर तेनाली क्या बोले, तेनाली जब सारी बात समझ गए तो फिर वे तुरंत बोले, महाराज, यह सही है कि मेरे पास जादुई पारस पत्थर है। उन्होंने स्वीकार लिया, किसने? तेनालीराम ने यह स्वीकार लिया कि जी महाराज, यह सही है कि मेरे पास जादुई पारस पत्थर है। तब राजा बोले, तेनाली, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी उसका प्रदर्शन करो।
किसका प्रदर्शन? कि वो जादुई पत्थर लेकर आओ और फटाफट से लोहे को सोने में परिवर्तित कर दो, बदल दो। तेनाली बोले, महाराज मैं उसका प्रदर्शन करने में असमर्थ हूँ। बड़े सहज भाव में बोले कि महाराज, ऐसे हाथ जोड़ के होता है ना कि जब हम दरबार में राजा के सामने होते हैं, हमसे कोई बड़े होते तो उनके सामने बड़े विनम्र भाव में बोलते हैं। उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, महाराज मैं उसका प्रदर्शन करने में असमर्थ हूँ, इसमें कुछ समय लगेगा। अब तेनाली ने उनसे कुछ समय मांग लिया और क्या कहा, मैं कल सुबह दरबार में उसका प्रयोग करूँगा। तो जैसा कि हमें पता है कि कहानी का नाम ही है तेनाली का प्रयोग, तो उन्होंने इस पूरी घटना से संबंधित उसको, मतलब उनको राजगुरु को और उनको सबक सिखाने के लिए कुछ ना कुछ योजना तो अपने दिमाग में बनाई ही होगी। तो उन्होंने राजा से कुछ समय मांगा और कहा कि मैं इसका प्रयोग कल सुबह दरबार में करूँगा। अगले दिन तेनाली एक गली के कुत्ते को लेकर दरबार में जा पहुँचे। क्या किया उन्होंने, गली से कुत्ते को पकड़ा और उसको लेकर वो दरबार में पहुँच गए। उन्होंने कुत्ते की पूँछ एक नली में डाली हुई थी। तेनाली ने क्या किया, एक वो जो कुत्ता पकड़ कर लाए थे उसकी पूँछ को एक नली में डाल दिया था ताकि वह सीधी हो जाए। दरबार में सभी लोग यह देखकर हंसने लगे, लेकिन राजा को बहुत गुस्सा आया। अब राजा को गुस्सा तो आएगा, उन्होंने बात कौन सी थी कि मतलब तुम्हारे पास एक जादुई पत्थर है, पारस पत्थर, जिससे लोहे को सोने में बदलना है, और ये क्या तेनाली कुत्ते को ले आए हैं, उसकी पूँछ में मतलब नली डाल दी है उसको सीधा करने के लिए। अब दरबारी तो हंस रहे थे लेकिन राजा जी को तो गुस्सा आ गया। तो राजा जी क्या बोले, तेनाली इस गली के कुत्ते को राज दरबार में लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तेनाली बोले, महाराज मैं सबसे पहला प्रयोग इस कुत्ते की पूंछ को सीधी करने के लिए करना चाहता था, इसीलिए मैंने इसकी पूंछ को नली में डाल दिया। राजा बोले, एक कुत्ते की पूंछ कई वर्षों तक नली में रखने के बाद भी कभी सीधी नहीं हो सकती, क्या तुम यह नहीं जानते? भाई ये बात तो सारी दुनिया जानती है, सभी जानते हैं कि हम कुत्ते की पूंछ को कितने भी वर्षों तक नली में रखें पर वो जैसे ही नली निकालेंगे तो कुत्ते की पूंछ टेढ़ी के टेढ़ी। तो उन्होंने फिर उनसे कहा कि भाई अगर कुत्ते की पूंछ को कई वर्षों तक नली में रखने के बाद भी कभी सीधी नहीं हो सकती, क्या तुम ये बात नहीं जानते? अब तेनाली क्या बोले, तो तेनाली बोले, महाराज बिल्कुल बिल्कुल सही, जो आप ये कह रहे हैं ये बात आपके एकदम 100% सही है, किंतु वो करना क्या चाहते थे आप वो समझिए। तो वो बोले, महाराज बिल्कुल यही मैं साबित करना चाहता था, जब एक कुत्ते की पूंछ अपनी प्रकृति के अनुसार सीधी नहीं हो सकती तो लोहा अपनी प्रकृति को छोड़कर सोने में कैसे बदल सकता है ना। तो तेनाली का ये प्रयोग सफल रहा। तो उन्होंने क्या कहा, वो यही बात समझाना चाहते थे राजा जी को, और उन्होंने अपनी बात को समझाते हुए क्या कहा कि महाराज आप जो कह रहे हैं कि कुत्ते की पूंछ को हम कई वर्षों तक यदि नली में रखें तो वह जैसी की तैसी ही रहती है, तो जब वो अपनी प्रकृति अपना स्वभाव नहीं बदलती तो उसी प्रकार से आप मुझे ये बताइए कि लोहा अपनी प्रकृति को छोड़कर सोने में कैसे बदल सकता है। तेनाली की बातें सुनकर राजा ने उनको उनकी चतुराई के लिए पुरस्कारों से नवाजा और राजगुरु एवं ईर्ष्यालु दरबारियों को क्या किया, दंडित किया, उन्हें सजा दी, है ना। तो प्यारे बच्चों आपको ये कहानी कैसी लगी, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। और इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें किसी को भी नीचा दिखाने के लिए किसी प्रकार की कोई योजना नहीं बनानी चाहिए। हम क्योंकि हम जहाँ भी सम्मान पाते हैं अपने गुणों अपने कर्म इनसे पाते हैं, हम दूसरों को नीचा दिखाकर किसी के प्रिय किसी के खास नहीं बन सकते। और दूसरी बात जो कि हमें तेनालीराम ने सिखाई, क्या सिखाई कि जो जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव है जैसी प्रकृति है, चाहे वस्तु हो व्यक्ति हो या इस संसार में कुछ भी हो, वो अपने स्वभाव से हमारे कृत्रिम रूप से उसको चेंज करने पर उसको बदलने पर वह परिवर्तित नहीं हो सकता,
है ना, उसका स्वरूप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं हम, थोड़ा सा बदल सकते हैं, लेकिन यदि हम ये कहें कि हम सोने को बदल कर लोहा कर दें और लोहे को बदल कर सोना कर दें, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत 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 पसंद आई होगी। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली कहानी में, है ना। तो तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते खेलते रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारियाँ जोर जोर से कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।